अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझसे अक्सर पेशेंट्स एक इंतहाई अहम मसला के बारे में पूछते हैं, तो मैंने सोचा आज इसके बारे में डिस्कस कर दूं और आपको इसका हल बता दूं। विटामिन ई, इसको अपनी लाइफ में ऐड लाजमी कर लें, सारी ज़िंदगी दुआएं देंगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, बढ़ती उम्र के आसार हम सब के चेहरों पर नज़र आने लगते हैं। खैर, अब ये उम्र का मसला नहीं, अब वक्त ऐसा है कि छोटी उम्र में ही मर्द और ख्वातीन बूढ़े हो रहे हैं। मर्दों को टेंशन, डिप्रेशन, दिल के अमराज, शुगर और मोटापे जैसी खबीस बीमारियों ने घेर लिया है। ख्वातीन को मेनोपॉज, जैसे सनपॉज भी कहते हैं, जल्दी होने लगा है। हार्मोन्स प्रॉब्लम, पीकोस का भयानक मसला, बदलती हुई खुराक और मीडिया जो लड़कियों को वक्त से पहले जवान कर रहे हैं। इस तरह आज के ज़माने का बेपनाह डिप्रेशन और तनाव, हर वक्त की दौड़ भाग और स्ट्रेस ने औरतों की खूबसूरती की उम्र बहुत कम कर दी है। आज मेरी टिप इंतहाई हैरत अंगेज़ है। चेहरे की झरियाँ, एक्नी, पिंपल्स, दाग धब्बे, फ्रेकल्स, सांवलापन, गिरते हुए तेज़ी से सफ़ेद होते बाल, स्याह, एनर्जी की कमी, हर वक्त थकन रहना, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी मर्द औरतों में तेज़ी से बढ़ा हुआ हार्ट अटैक का भयानक मसला, जो कि अचानक किसी को भी आजकल हो जाता है। इतने बड़े अस्पताल हैं, लेकिन रश है कि बढ़ता ही जा रहा है। इन सारे मसाइल का हल यकीन करें इस एक छोटे से टोटके में छुपा हुआ है। सुबह नाश्ता करके 10 मिनट बाद इस एक कैप्सूल एवियन 400 mg पानी के साथ ले लिया करें। हमारे यहाँ नीले रंग के पत्ते में मिलता है, इम्पोर्टेड में ने देखा है, ग्रीन भी होता है, कोई मसला नहीं, इस्तेमाल कर लें। खुराक इस्तेमाल करना सिर्फ 400 मिलीग्राम वाला ही है, 600 और 200 वाला भी होता है, लेकिन वो नहीं करना। नुक्ता इसमें यह है कि छोटी ताकत वाले का इतना असर नहीं होता और बड़ी ताकत वाले से कुछ लोगों को तंगी होने लगती है। अगर ना मिले तो सब्र कर लें, मगर और किसी ताकत वाला कैप्सूल नहीं लेना। वैसे पाकिस्तान में हर इलाके में ये छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर से भी बआसानी मिल जाता है। विटामिन ई वाला कैप्सूल मशहूर है। विटामिन ई के जादुई असरात वाला ये कैप्सूल हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाता है और सस्ता भी होता है। हफ्ता, दो हफ्ता भर इस्तेमाल करें, फिर दो दिन वक्फा करें, किसी भी डॉक्टर से कंफर्म करें, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट से इज्तनाब करें। हामला ख़वातीन हों या दूध पिलाने वाली माएँ, सब बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल करें। मर्दों के लिए भी इसके फ़ायदे उतने ही ज़बरदस्त हैं जितने औरतों के लिए। 3 महीने रेगुलर इस्तेमाल करने से ऐसे मसले हल होंगे जिनसे जान छूटने का तस्वर भी आपने करना छोड़ दिया होगा। सबसे पहला असर ये कैप्सूल स्किन पर करता है। पूरी बॉडी की एलर्जी, चेहरे के दाग, धब्बे, दाने, एक्नी, पिंपल वगैरह, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगती है। स्किन 3 महीनों में 16 साल की उम्र वाली होने लगती है। बंदा खुद अपने आप को हाथ लगा लगा कर देखता है कि ये क्या हो रहा है। चेहरे और बॉडी का रंग साफ होने लगता है। जो बंदा बंदी ये कैप्सूल इस्तेमाल करते हों, मुमकिन ही नहीं कि उनके चेहरे पर कभी झरियाँ पड़ें। स्किन हमेशा हमेशा टाइट रहेगी, ये गारंटी है। दूसरा काम इस कैप्सूल का आपके बालों की ग्रोथ है, बालों को शानदार बना देता है। कई ऐसे मर्द और ख़वातीन जो 60-65 की उम्र को पहुंच गए हैं, मगर आज भी अपनी औलाद से ज़्यादा खूबसूरत, जवान और एक्टिव हैं। कितनी ही फीमेल और मेल मॉडल्स, एक्टर्स मैंने देखे हैं जो 20-20 साल से इससे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैप्सूल कभी आपके बालों को सफ़ेद नहीं होने देता। नो खुश्की, नो हेयर फॉल, नो बालचर, नो गंजपन। बालों के हर मसले का ये कैप्सूल तेरे बेहदफ इलाज है। तीसरा काम जो इसका मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो एनर्जी और एक्टिव है। जिस्म में हर वक्त बिजली भरी रहती है, बंदा डिप्रेस
हो ही नहीं सकता। जितना मर्जी काम कर लो, जितनी भी तेज़ लाइफ हो, कोई टेंशन नहीं। जितना मर्जी बड़ा मसला आ जाए, ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। हर वक्त आंखों में चमक, स्किन टाइट, आंखों के हल्के गायब, बाल घने स्याह, चेहरा फ्रेश, ना कोई दाग ना कोई धब्बा। और ज़िंदगी में क्या चाहिए? मुसलसल इस्तेमाल करें तो मर्दों में हार्ट अटैक का ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये दिल के शरियानों को बहुत मजबूत करता है। ख़वातीन में पीरियड्स रेगुलर ना होने का मसला भी इससे ठीक हो जाता है, क्योंकि ये खून के दबाव को बेहतर करता है और खून के शरियानों में रवानी का बेस्ट इलाज है। जिनको खून की कमी एनीमिया वाला मसला है, उनके लिए ये अजीम नेमत है। हार्मोन्स को बैलेंस करता है। सबसे बड़ी बात कि औरतों मर्दों की कैंसर से हिफाजत करता है। मर्दाना ताकत के लिए बुढ़ापे में भी कारआमद विटामिन ई, ये विटामिन ई है। मियां बीवी के दरमियान जिनसी अमल एक ऐसा अमल है जो ना सिर्फ इंसानी बढ़ोतरी का सबब है, बल्कि इससे ज़्यादा इंसान की जज्बाती तस्कीन का ज़रिया भी है। इस पहल को बढ़ाने और ज़्यादा देर तक लुत्फानंदोज़ होने के लिए इसकी कमी से जिनसी हार्मोन और गदूद तगामा का हार्मोन दोनों कम हो जाती हैं। ये विटामिन बांझपन को दूर करने और इस क़ुव्वत हमल को रोकने में अहम किरदार अदा करता है। एक तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि इसे सिर्फ सुबह नाश्ते के बाद ही लेना है, रात को नहीं लेना, वरना मोटापा आ जाएगा। और इसको इस्तेमाल शुरू करें तो रात के खाने के बाद 15 मिनट वॉक भी शुरू करें, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। विटामिन ई की कमी की वजह से होने वाली अलामत। विटामिन ई की कमी की अलामत: आसाबी पट्ठों की कमज़ोरी। विटामिन ई की कमी की वजह से हमें पट्ठों की कमज़ोरी होती है। हमारे आसाबी निज़ाम के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है, ये अहम ऑक्सीडेंट में शामिल है। इसकी कमी की वजह से पट्ठों में तनाव पैदा होता है, जो पट्ठों की कमज़ोरी का बायस बनता है। चलने में दुश्वारी। विटामिन ई की कमी की वजह से पैदल चलने में दुश्वारी होती है और जिस्म में कमज़ोरी पैदा होती है, जिस वजह से इंसान पैदल चलने से थक जाता है और थकावट महसूस होती है। निज़ामी निज़ाम के मसाइल। विटामिन ई की कमी की वजह से हमारा निज़ामी निज़ाम ठीक तरीके से काम नहीं करता। विटामिन ई की कमी हमारे मुदाफ़ियाती खुलियों को रोकती है, इसलिए बड़ी उम्र के लोगों को नुकसान हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।